इस पार्ट में 521 की बात करेंगे, व्हाट आर द मेन वैल्यू काजेज ऑफ वैल्यू क्राइसिस, क्या सबसे बड़ी मुसीबत हमारे देश में आज के टाइम बच्चों के अंदर वैल्यू क्राइसिस के, मतलब नैतिक मूल्य जो है गिरते जा रहे हैं इन और सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर जो है वैल्यू क्राइसिस हो रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू डेवलप मोरल इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर एजुकेशन क्या कर सकती है ताकि उनके जो क्राइसिस ना आए, मोरलिटी कैसे हम दे सकते हैं। वैल्यू क्राइसिस एंड वैल्यू ट्रांजिशन दो तरीके का होता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वैल्यू ट्रांजिशन विद एज एंड मैच्योरिटी, जैसे बड़ा बच्चा होगा छोटे से चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आएगा तो चेंजेस आते रहते हैं फिर, और वैल्यू ट्रांजिशन विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आएगा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह आती है इनके हिसाब से भी चेंज होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे वैल्यू क्राइसिस क्या है। Today we are facing value crisis, however we shall try to analyze the fundamental value crisis which are detrimental for the growth and development of the learners। की आज के है जिसमें हम value crisis का सामना कर रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए जो fundamental मौलिक value है मूल्य क्राइसिस के और डिटरमेंटल वो निर्धारित किए जाते हैं बच्चों के विकास के ऊपर, लर्नर जो होता है उसका विकास होता है उस तरीके से कैसे होंगे। वैल्यू क्राइसिस लीड टू एनोमीज आर नॉर्मलाइजर्स फॉर द सोसाइटी। ओनोमीज होता है मतलब इथिकल्स और सोशल, समाज को नैतिक उसमें वातावरण की कमी हो जाती है, नैतिकता नहीं रहती, नॉर्मलाइजर नियमों को नहीं पाता है, सोसाइटी के पालन नहीं करता है किसी तरीके का। वैल्यू आर डायनेमिक इन नेचर, वैल्यू जो है गतिशील है, बदलते रहते हैं, दे कीप इन चेंजिंग एज पर द टाइम एंड द स्पेस, जैसे जैसे समय आता है उसमें चेंज होते रहते हैं। क्रिएट चैलेंज, इस प्रकार की ये चीज जो हमारे सामने चुनौती पैदा करती है, समटाइम्स दिस चैलेंज लीड टू द वैल्यू डिग्रेडेशन, कई बार जो है इसकी वजह से वैल्यू मतलब जो नैतिक वैल्यूज है डिग्रेडेशन होता है, नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। अकॉर्डिंग टू सावेर के अनुसार वैल्यूज है आर कॉन्सेप्ट एंड रेशनलिटी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक विचारधारा है, एक तर्क है, विचार है, तर्क है स्वतंत्र रूप से, एंड देयर क्राइटेरिया फॉर जजिंग गुड एंड बैड, कि हमारे पास एक क्राइटेरिया भी है कौन से बैड वैल्यू है कौन से गुड वैल्यू है। एज क्राइब तीन तरीके से बांटा गया, एस्थेटिक, इंस्ट्रूमेंटल, मोर। ए पर्सन हु डज नॉट हैव एस्थेटिक वैल्यू मे नॉट बी नेसेसरी मोर, की जिसके अंदर एस्थेटिक होता है सौंदर्य चीजें, अगर जिसके अंदर सुंदरता के प्रति अवेयर नहीं है हम ये नहीं कह सकते इमोरल है, वो नैतिकता नहीं है। ऑफ ऑल द वैल्यू मोरल वैल्यू फाइंड द हाईएस्ट पोजिशन, सबसे पहले जो मोरल वैल्यू की है यहाँ पे हम बात करेंगे मोरल वैल्यू की ही है। Therefore, when we talk about the value deterioration, की जब भी हम बात करते हैं तो we mostly means a moral value, कैसे कैसे deteriorations कैसे कैसे होती है। When we see around us, we find the education level reaching highest of the development, but crises of the value are being felt by educationists। हम देख रहे हैं कि चारों पर education का level जो है बहुत ज्यादा ऊंचा हो रहा है, विकास कर रहे हैं, but crises जो है educationists के अंदर देखे जा रहे हैं, जो शिक्षाविद हम देख रहे हैं। वैल्यू क्राइसिस मीन लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग गुड हैबिट, मतलब बच्चों के अंदर अच्छी आते नहीं है। वैल्यू क्राइसिस मीन्स इट डज नॉट मीन्स दैट ए पर्सन डज नॉट हैव ए गुड वैल्यू बट ही मे बी लैकिंग द करेज टू एक्सप्रेस, इसका ये अर्थ नहीं है कि दैट ए पर्सन डज नॉट हैव गुड वैल्यू, कि आदमी के पास अच्छे वैल्यूज नहीं है, बट ही मे बी लैकिंग द करेज, परंतु उसके अंदर हिम्मत नहीं है उनको एक्सप्रेस करने की, व्यक्त करने की। वी कैन कॉन्क्लूड दैट राइजिंग केसेज ऑफ वायलेंस, के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे हिंसा के, ईव टीजिंग, शाम के समय लड़कियों को तंग करना, रेप, बलात्कार, ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, कंट्रीब्यूटेबिलिटी टू दिस फैक्ट, ये सच्चाई मान सकते हैं इन चीजों को हम। इट इज नॉट दैट पीपल डू नॉट केयर अबाउट दिस क्राइम्स, की बात नहीं कि लोग जो इन क्राइम के बारे में चिंता नहीं है लोगों को, हर किसी को है, और डू नॉट फील डिस्टर्ब, या इन न्यूज को सुन के डिस्टर्ब नहीं होते, हर कोई मेंटली परेशान हो जाता है, बट डू नॉट शो रिएक्शन आउट ऑफ फियर आर प्रॉब्लम, या तो उनकी प्रॉब्लम होती है या कोई रिएक्शन हो नहीं दिखा पाते वो कोई भी डर की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से, सक्सीडिंग देर आप उसके बाद में, अगर उन्होंने किसी को कुछ कह दिया तो उसके बाद में क्या उसके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। ड्यू टू दिस इमोरल इनसेंसिटिविटी में, इसकी वजह से सामाजिकता नहीं रही है, कल्टिवेट ये आदत नहीं बल्कि डाल पा रहे हैं, फेल टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट टू टेक एक्शन, और झगड़ों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इन स्कूल में द चाइल्ड कम्स टू कॉन्टेक्ट विद मिनी रेप्लिका, कि जब बच्चा जो है स्कूल में जाता है वो एक छोटे से ग्रुप, मतलब एक छोटे से ग्रुप के दूसरे बच्चे आते हैं उनकी नकल करना सीखता है, रेप्लिका होता है नकल करना सीखना सोसाइटी की। वेयर ही मीट्स चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कल्चर, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड, धार्मिक बैकग्राउंड के, अलग अलग के सामाजिक बैकग्राउंड अलग होती है। हियर ए चाइल्ड लर्न्स टू कोप विद, होता है सामना करना, पीपल हु हैव डिफरेंट वैल्यू एंड अपब्रिंगिंग, कि यहाँ पे बच्चा जो सामना करता है अलग अलग वैल्यू के बच्चे होते हैं, अपब्रिंगिंग अलग अलग पालन पोषण का होता है। दिस इज द टाइम व्हेन ही गेट्स इन्फ्लुएंस, ये समय होता है जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लुकिंग एट द सिनेरियोस, घटनाक्रम पे देखें, दे आर गेटिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड सोशल इवल, की ज्यादा झुकाव जो सामाजिक बुराइयों की तरफ हो जाता है। दे हैव बिकम मोर एरोगेंट, ज्यादा घमंडी, लेस रिस्पेक्टफुल, कम सम्मान करते हैं, इंपल्सिव, लैक ऑफ सडनली विदाउट थिंकिंग, मतलब काम कर लेते हैं, लाइकिंग टू एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, वायलेंट, हिंसात्मक तरीके से, इंपेशेंस है, धैर्य हो जाते हैं। ये क्वालिटीज जो है ना, बैड क्वालिटीज बच्चों के अंदर देखी जाती है।
एजुकेशन हैज बिकम द चैनल टू सिक्योर गुड मार्क्स एंड गुड प्लेसमेंट, कि एजुकेशन को एक ऐसा मार्ग बना दिया है बच्चों ने भी, पेरेंट्स ने भी, सोसाइटी ने भी, कि अच्छे नंबर आए और अच्छी जगह जॉब मिले। पेरेंट्स एंड स्कूल बोथ आर नेगलेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कैलकुलेटिंग वैल्यू इन दैम, की माँ बाप भी और स्कूल भी, जो बच्चे के अंदर अच्छे वैल्यूज आने चाहिए उनके तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो टीचर समझ रहे हैं ना ही पेरेंट्स। जेंडर सेंसिटिविटी मतलब जेंडर होता है ही और सी के प्रति संवेदनशीलता इज टू एट द लोएस्ट, ये भी मतलब नीचे स्तर पर है। मैनी मेल डू नॉट फील एनी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वुमेन इशू, काफी सारे आदमी जो है ना औरतों के जो मुद्दे होते हैं उनके तरफ ज्यादा संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं दिखाते। इन टूडेज वर्ल्ड और वुमेन लिबरेशन, आज की दुनिया जो है औरतों की आजादी की, मेल फील्स इज एग्जिस्टेंट बींग चैलेंज, अगर इस वो सोच रही है कि अगर औरतों को आजादी मिल गई तो हमारी जो चुनौती, हमारा जो अस्तित्व है उसको चुनौती मिल जाएगी। द वर्ल्ड इज अ फास्ट बिकमिंग ग्लोबल विलेज, की दुनिया जो है एक गांव बनती जा रही है, बट द रिलेशन बिटवीन पीपल आर स्ट्रेनिंग, परंतु जो आदमियों के बीच में रिलेशन है उनमें तनाव आते जा रहे हैं। द टीचर पीपल रिलेशन इज प्रोफेशनल, कि टीचर का और बच्चे का रिलेशन जो संबंध है वो एक पेशेवर हो गया है। एंड पेरेंट्स चिल्ड्रन बॉन्ड इज बिकमिंग डिस्टेंस, और जो माँ बाप का संबंध है वो एक लगाव बहुत दूर जाता जा रहा है। काजीज फॉर वैल्यू क्राइसिस क्यों आ रही, इसके कारण क्या है, टू मच इन्फ्लुएंस ओवर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा प्रभाव इन लाइफ, हमारी जिंदगी में जो टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर नेटवर्क सारे वेबसाइट इज डिस्टेंसिंग अवे फ्रॉम द पीपल अराउंड अस, इस तरीके से हम चारों तरफ हमारे तक जो लोग रहते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, हमारा मोबाइल में ज्यादा ध्यान होता है। ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रेफर्ड, की ज्वाइंट फैमिली में आजकल रहना पसंद नहीं करते, न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते हैं। पीपल वैल्यू देयर प्राइसेस, क्योंकि प्राइवेसी, क्योंकि लोग जो ये समझते हैं कि हमारी प्राइवेसी गोपनीयता जो सभी ज्वाइंट फैमिली मेंबर को पता चल जाएगी, रेदर देन रिलेशन मतलब बनने की बजाय वो ज्वाइंट फैमिली को लाइक नहीं करते, न्यूक्लियर फैमिली को मतलब माँ बाप और बच्चे ये फैमिली को पसंद करते हैं। द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम हैज बीन मच टू ऑफर द वैल्यू इनकल्केशन, जो हमारे परंपरागत तरीके थे पढ़ाने के उसमें जो है वैल्यू दी जाती थी। स्टूडेंट आर नाउ मोर कंसर्न्ड विद एकेडमिक स्कोर, बच्चों का आजकल ध्यान जो ना नंबर लेने की तरफ है, मार्क्स की तरफ है, फॉर विच दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंड टू डू इरिस्पेक्टिव द मोरलिटी, वहां किसी हद तक भी बच्चे जाने के लिए तैयार होते, कोई मोरलिटी की परवाह नहीं करते स्कोरिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट चीटिंग इन द क्लास, बच्चे जो है क्लास में नकल मारते हैं, केसेस ऑफ रिगिंग होता है, हेरा फेरी करना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर में दूसरे बच्चे उनकी जगह बैठ जाते हैं, ये हेरा फेरी होती रहती है। टीचर आर नॉट एबल टू इनकल्केट द वैल्यू चैनल, टीचर भी ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यू जो नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू डिग्रेडेशन, कि माँ बाप के लिए बीच के जिम्मेवार हैं, आइदर दे आर बिजी सो बिजी या तो ज्यादा व्यस्त रहते हैं विद देयर लाइफ के साथ, डू नॉट फाइंड एनी टाइम रॉन्ग एनीथिंग रॉन्ग If their words use any immoral way to excel, अगर उनका बच्चा उनको पता लग जाता है कि इसने गलत काम किया अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, और वो समझते हैं चलो ठीक आज के समाज में ऐसा है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही हैं। पावर एंड मनी इन द हैंड ऑफ द करप्ट पीपल इज सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर आवर चिल्ड्रन, की गलत आदमियों के हाथ में पैसा इकट्ठा हो चुका है, बच्चे जो उनको देख के लालच में अटैम्प्ट करते हैं, तो ये भी एक गलत एग्जाम्पल हमारे पास है। नीड फॉर डेवलपमेंट इसको शामिल कर लिया गया है, हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी बात हम चर्चा करें। महात्मा गांधी वंस स्टेटेड दैट वन हु एक्युमुलेट वेल्थ, कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था जो आदमी बाय रोंगडूइंग एक्युमुलेट होता है इकट्ठा करना, जो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं गलत कार्यों से और नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और या फिर ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं पता कुछ नहीं, अटेन साइंटिफिक एटीट्यूड विदाउट होनेस्टिक अप्रोच, उसमें किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लेते हैं परंतु मानवता नहीं है, सोच लैक ऑफ वैल्यूज इन दैट पर्सन, उस आदमी के अंदर वैल्यू नहीं रहेंगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आदमी धन को इकट्ठा कर लेते हैं गलत कार्यों के द्वारा या साइंटिफिक नॉलेज ले लेते हैं और मतलब उनके विदाउट तरीके से आते हैं वो, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऐसे लोगों के अंदर कम होती है। हम बात करते हैं फॉर मनी एंड पावर्स, एजुकेशन इज एट प्रेजेंट विद द एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज के समय में जो एजुकेशन जो है ना वो जोर डाल रही है आर्थिक विकास पे, हैज साइडलाइन ओवरऑल डेवलपमेंट और पर्सनलिटी, मतलब कोई मतलब नहीं है बच्चे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, को ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं है एजुकेशन का। फॉर मनी एंड पावर वी आर रेडी टू लूज आवर मोरलिटी, पैसे कमाने के लिए पावर के लिए हम मोरलिटी को भूल जाते हैं। विद नाउएडेज इज बीइंग कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, ये तो प्रोफेशनलिज्म का नाम दिया था व्यवसाय करने, वी कैन आउटलाइन व्हाई द नीड ऑफ नेसेसिटी ऑफ डेवलपमेंट हैड अकर्स इन द फॉलोइंग, बट ये हम क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी है विकास करने की तो हम नीचे देख सकते हैं क्यों आवश्यकता है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज प्रोग्रेसिंग बट इज डिवाइड ऑफ करेक्टर बिल्डिंग, आज के समय में एजुकेशन सिस्टम जो है प्रोग्रेस कर रहा है सबको दे रहे हैं बट करेक्टर बिल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं है। गोल ऑफ ए लर्नर हैज बिकम हाई ग्रेड अचीवमेंट एट एनी कॉस्ट, मतलब जो लर्नर है वो ज्यादा नंबर लेना चाहता है और कोई किसी भी कीमत पे आ जाए भाई, हु कैन बाय प्रूफ, वी फेल टू अंडरस्टैंड आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे हमारा अस्तित्व इसको भी नहीं समझ पा रहे हम क्या है। ओनली कॉन्सर्न नाउ इज मी माइन
माई माइन एंड माई सेल्फ, आज की चिंता मैं और मेरा, बस और कुछ नहीं। द ड्यूटी टू आर सोसाइटी नेशन एटसेट्रा रियली गिव सेकंड थॉट कि देश के प्रति समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उसकी तरफ हम नहीं सोचते। अवर थॉट प्रोसेसेस हैज टेकन टोटली डिफरेंट कोर्स के हमारे विचारों ने अलग मार्ग अपना लिया है। वेयर थॉट ऑफ इंटीग्रेटिंग राइट वैल्यू रियली कम्स अक्रॉस, मतलब जोड़ने के या राइट वैल्यू के विचार तो हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। करिकुलम मॉडिफिकेशन आर डन फ्रीक्वेंटली, जो सिलेबस है बार बार मॉडिफाई किया जाता है, कभी कुछ डाल देते हैं प्लानर्स, कभी कुछ है, टू मीट द डिमांड नीड्स ऑफ द लर्नर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। बट द पॉलिसी मेकर और लुक द इंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी टू डेवलप एन एटीट्यूड फॉर द करेक्टर बिल्डिंग, परंतु कभी भी इन्होंने सोचा पॉलिसी बनाने वाले जो मेकर्स हैं इसको करिकुलम को, कि इनके करेक्टर बिल्डिंग के लिए भी कोई ऐसी चीज डाल दी जिससे करेक्टर बिल्डिंग हो, इनका चरित्र का निर्माण हो। स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन, तनाव होता है, परेशानी होती है, दबाव होता है दुनिया में कंपटीशन के, वर्ल्ड लीड टू द डिप्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, डिसहारमोनी मतलब एकरूपता नहीं रहती है, कॉन्फ्लिक्ट इन ऑल ऑफ अस की झगड़े की जड़ रहती है, झगड़े रहते हैं आपस में। और एजुकेशन प्रोग्रेस प्रोसेस डिपेंड ऑन द रूट मेमोराइजेशन टेक्निक, हमारे जो एजुकेशन प्रोसेस है वो ज्यादा रट्टे लगाने पे है, रट्टे लगाने सभी को, एज अ रिजल्ट दैट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज डन मिनिमली, तो जो अनुभव है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है वो कम से कम किया जाता है। द लर्नर इज नॉट एबल टू रीच द लेवल ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड फेल टू एस्टेब्लिश द रिलेशन विद कॉन्टेंट, भाई जो लर्नर है स्टूडेंट्स है वो सही तरीके से उनका वर्गीकरण नहीं कर पाता और जो कॉन्टेंट है जो विषय वस्तु उसको फिर वो समझ नहीं पाता सही तरीके से। इंक्लूडिंग वैल्यू एजुकेशन विल डेवलप नॉट ओनली नॉलेज, अगर हम वैल्यू एजुकेशन इसके अंदर शामिल करेंगे कि नॉलेज ही नहीं इंक्रीज होगी बट ऑल्सो एन अलर्ट एंड हेल्दी माइंड, कि हमारा दिमाग भी अलर्ट चौकन्या हो जाएगा, हेल्दी माइंड हो जाएगा, स्वस्थ माइंड मीन्स। एंड फॉर लर्नर की एजुकेशन मीन्स टू गेटिंग इकोनॉमिकली वेल प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ चैनल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, लर्नर के लिए एजुकेशन इज ए मीन, एजुकेशन एक साधन होना चाहिए ऑफ गेटिंग इकोनॉमिकली वेल, कि आर्थिक तरीके से एजुकेशन एजुकेट होकर वो प्राप्त कर सके सब कुछ, प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ चैनल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब एजुकेशन को ये ना समझे कि खुशियां देगी हमें समृद्धि देगी, सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का साधन देख रहे हैं। The negligence can be seen in other front like the दूसरी जगह भी हम देखे जा सकते, देख सकते हैं इन चीजों को, negligence करें, लापरवाही बरत रहे हैं पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, घर पे भी। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोचेस फॉर वैल्यू इन कैलकुलेशन, मतलब कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं बच्चों के अंदर ये वैल्यू देने के लिए। एज वी हैव डिस्कस द स्टेटस ऑफ वैल्यू नाउ, के हम चर्चा कर चुके हैं क्या स्टेटस हमारे पास वैल्यू का, नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी ओवरकम दिस, के हम इनको नियंत्रण में कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। वैल्यू इन कैलकुलेशन बिगिन फ्रॉम द डे ऑफ द बर्थ, मतलब वैल्यू जोन डालना नैतिक मूल्य बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है। वैल्यू इम्पैक्ट थ्रू आवर लाइफ एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाते हैं जैसे हमारे अनुभव होते हैं। वैल्यू इन आर इनकल्केटेड लर्नर डिफरेंट मैनर कई तरीके से आते हैं, ये वैल्यू हमारे अंदर मे बी टोट कोट एंड शॉर्ट टोट मीन, टीचर्स जो है बच्चों के अंदर वैल्यू डालेंगे कि अपने सीनियर का रिस्पेक्ट कैसे करना है, टीचर का रिस्पेक्ट करना है, ये तो टोट कोट मीन्स होता है डिसीजन करेगा बच्चा अपने आप, द चाइल्ड चूज टू सुटेबल एप्रोप्रिएट वैल्यूज, कहां पे उसको बढ़िया वैल्यूज मिलेंगी, जहां से भी मिले वो ले लें, इम्बाइब ओनली दोज वैल्यूज विच आर बेस्ड ऑन देयर ओन कन्विक्शन, के अपने विश्वास पे आधारित होती है। शॉर्ट स्टूडेंट सेट हिज ओन मॉरल स्टैंडर्ड बना लेता है, ये सीख से बनाया गया, सीख के सॉर्ट सॉर्ट मीन ढूंढना, बच्चा जो अपने आप ढूंढ के एनालाइज द वैल्यू रिक्वायर्ड एंड देन ट्राइज टू सॉर्ट इट, मतलब उनको विश्लेषण करता है कि जिसको ढूंढने की जरूरत जिसके ठीक लगे वो ले लेता है। नेक्स्ट कहते हैं अप्रोचेस क्या क्या है इसको हम लेने के, तो डायरेक्ट अप्रोच कि टीचर जो है ड्यूरिंग द पीरियड के अंदर ये मॉरल साइंस का पीरियड है या नैतिक एजुकेशन का कोई भी अप्रोच है तो उसमें हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड टीचर रिसाइट मोटिवेशन पॉइंट, टीचर जो है प्रेरणादायक कविताएं सुना सकता है उनको, रीड द मॉरल बेस्ड स्टोरीज स्किट कहानी सुना सकता है, स्किट ड्रामा फैंसी ड्रेस हो ये कर सकता है, और बच्चों को इंक्रूज कर सकता है कि फ्रीडम फाइटर का रोल अदा करें, फेमस पीपल्स का, इस तरीके से हम बच्चों को डायरेक्ट तरीके से हम बता सकते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स वैल्यू एजुकेशन इज इनकॉर्पोरेटेड विद द रेगुलर करिकुलम, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल कैन बी टेकन इन एनवायरमेंट एजुकेशन क्लास, व्हेन स्टूडेंट आर टोल्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ द टीचर कैन गिव द असाइनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जब हम एनवायरमेंट के बारे में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में वातावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है इनडायरेक्ट तरीके से, वहां डायरेक्ट में तो बच्चों को डायरेक्ट देते थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट है सिचुएशन, जैसी स्थिति देखें वी shall be agreed that cases of eavesdropping, violence, rape, chain snatching, pickpocketing, insensitive behavior, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं हमारे समाज के अंदर, जेब काटना, असंवेदनशील होना, this is because we are inculcating values, we are not inculcating values which should be used appropriately, कि हम उन values को नहीं डाल रहे हैं कि जो जरूरत है। example दिया इन्होंने वो
निर्भय खान का दिल्ली का, कि उसका जो साथी था वो वहां से जा सकता था परंतु उसने डिफेंड किया उसको, ये केस यहां पे दिया गया है। दीज एक्ट ऑफ इनकल्केट सेइंग नो वायलेंट और अब्यूसिव पर्सन, कि हमने कोई भी हिंसात्मक या बुरा आदमी जो गाली गलौज करता है, डिफेंडिंग द वीकर वन हु मे बी फीमेल्स, की जो अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो उसे हम बचाना चाहिए। माई चाइल्ड एन ऑर्फन पर्सन, किसी बच्चे को या ओल्ड पर्सन के साथ में कोई मिसबिहेव कर रहा है। वी रिमेंबर द निर्भय केस होगा वेरे मेल फ्रेंड ऑफ फ्रेंड डिफेंडेड सर एटमोस्ट एबिलिटी, उसका साथी जो था उसने बचाने की कोशिश की थी, ही कुड रन अवे, भाग सकता था, कुड हैव रन अवे बट इंस्टेड शोड करेज टू फाइट द अक्यूज्ड, बल्कि उसने जो है उसमें अपने साहस दिखाया लड़ने। इनकल्केट वैल्यू थ्रू करिकुलर एक्टिविटी, मतलब टीचर्स का क्या रोल है, मतलब सिलेबस के साथ में कैसे वो चलेगा देखते हैं हम। लेट अस से द टीचर्स कैन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड वैल्यू ऑफ द डिसीजन, सब्जेक्ट जब पढ़ा रहे हैं तो उसके तर्क से सोच के काम करें अपन निर्णय लेने के बाद। ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ साइंस जब पढ़ाते हैं, मैनी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कुछ वैल्यू दिए जा सकते हैं अंडरस्टैंड विद हेल्प। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट कैन बी ब्रॉट क्लोजर टू द नेचर, प्रकृति के साथ ला सकते हैं। दिस वे वी शैल रिस्पेक्ट द सराउंडिंग, आसपास के क्षेत्र की इज्जत करना सीखेंगे, आल्सो रिस्पेक्ट देयर ओन एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, और हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर प्लैनेट के ऊपर क्या वो सीखेंगे। इफ द स्टूडेंट आर टेकन टू एनिमल जू और सफारी या सेंचुरी, इनको बच्चों को चिड़ियाघर में या कहीं अभ्यारण्य में ले जा जाए, कैन बी सेंसिटाइज्ड टू द अदर लिविंग, दूसरे जानवरों के प्रति भी अस्तित्व के प्रति वो संवेदनशील होंगे। व्हाइल टीचिंग एनवायरमेंट साइंस पढ़ा रहे, टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट टू बिल्ड हार्मोनियस रिलेशन विद नेचर, प्रकृति के साथ हम बच्चों को जोड़ के बता सकते हैं कि हमें क्या समरूपता बरतनी चाहिए। ड्यूरिंग सोशल साइंस क्लास में स्टूडेंट कैन बी टोल्ड द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता और सोशलिज्म समाजवाद की चीजें बढ़ानी चाहिए। स्कूल बींग ए मैन्यूचर सोसाइटी, क्योंकि स्कूल एक छोटा सा समुदाय है, चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, टीचर्स का रोल भी यही होता है। रोल ऑफ द टीचर भी वेरी क्रूशियल, यहाँ पर टीचर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिस्ट्री क्लास कैन हेल्प द इनकल्केट वेरियस वैल्यू लाइक करेज, हिस्ट्री की किताब में जैसे साहस, कंपैशन, दया, लॉफुलनेस, कानून मानना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप की भावना, इक्वलिटी, समानता, ये दे सकते हैं। फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस किंग्स एंड लीडर्स एंड सबेक्चुअल लीडर, आध्यात्मिक नेताओं के बारे में, राजाओं के बारे में, राजनेताओं के बारे में बता सकते हैं, रेवोल्यूशन क्रांतिकारी हैं, इन चीजों को दिखा सकते हैं। स्लाइड शो एंड डॉक्यूमेंट्रेशन कल भी ऑडिटोरियम में ले जाकर उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से शो दिखा सकते हैं। सिविक्स से टीचिंग कैन बी ग्रेट हेल्प विद द डेवलपिंग नेशनलिस्टिक वैल्यू, हम सिविक्स पढ़ाते हैं जब तो उसमें राज्य के अपने देश के प्रति क्या वैल्यू हुआ जाता है। सिमिलरली लैंग्वेज टीचिंग कैन बी मेड एन इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज भी एक अच्छा तरीका हमारा डेवलपिंग एस्थेटिक वैल्यू, मतलब सौंदर्य के सुंदरता के प्रति हम वैल्यू सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न द रिस्पेक्ट अदर कल्चर लैंग्वेज, चिल्ड्रन जो दूसरी संस्कृति की दूसरी भाषा की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। इट हेल्प टू ब्रिंग अप ऑल कल्चर टुगेदर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर जो सभी प्रकार की संस्कृतियों के बारे में वैल्यू आ जाती है। इनकल्केटिंग वैल्यूज थ्रू कोकरिकुलर एक्टिविटी, कोकरिकुलर थी यहाँ कोकरिकुलर मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो खेल वगैरह उनसे कैसे हम डाल सकते हैं। कोकरिकुलर एक्टिविटी फॉर्म द इंटरवल पार्ट ऑफ द सोशल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा होता है ये भी कोकरिकुलर एक्टिविटी। द स्कूल विच रन फुल फ्लैग्स कोकरिकुलर एक्टिविटी प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, की जो सही तरीके से कोकरिकुलर एक्टिविटी को चलाते हैं स्कूल, वहां पे बच्चे जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग मीन्स हेल्दी पर्सनैलिटी, मतलब उनका स्वास्थ्य सही होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, इंक्यूजिटनेस मतलब जिज्ञासा होती है, नो फियर ऑफ एक्सप्रेसिवनेस मतलब डरते नहीं है अपनी बातें व्यक्त करने में। द वेरियस एक्टिविटी विच कैन बी इंक्लूडेड, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी को शामिल कर सकते हैं, रिक्रिएशन मनोरंजन, डांस, सिंगिंग, ड्रामा, क्विज, शोज, एग्जीबिशन अगर एक्सेट्रा, हेल्प इन डेवलपिंग एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यता के प्रति हम वैल्यू समझते हैं। चिल्ड्रन लर्न द एप्रिशिएट एंड क्रिएटिव, बच्चे जिनकी प्रशंसा करते हैं और रचनात्मक क्रिएटिव माइंड होते हैं। गेम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दिस हेल्प टू बिल्ड द हेल्दी बॉडी एंड वी ऑलरेडी नो दैट द हेल्दी माइंड रिजाइड इन हेल्दी बॉडीज, की गेम से जो बॉडी हेल्थी होती है और हम जानते हैं कि मतलब अच्छे स्वास्थ्य के अंदर ही अच्छा माइंड होता है, जो स्वस्थ होगा माइंड भी अच्छा होगा। स्टूडेंट ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी, बच्चों को अनुशासन की और नियमितता की समय की वैल्यू पता लग जाती है। दे लर्न द वैल्यू ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों की कैसे वैल्यू करनी चाहिए वो भी पता लग जाती है। सोसाइटी सेंटर एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज समाज में क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग रैली का प्रबंध करें, नुक्कड़ नाटक दिखाएं, कैन बी ऑर्गेनाइज सेपरेट अवेयरनेस अबाउट द सोशल रियल, जो समाज में बुराइयां फैली उनके माध्यम से लोगों को भी बताएं, एंड गिव एन ओवरकम देम को रास्ते बताएं उनको कैसे इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। विजिट टू द ओल्ड एज होम्स के वृद्धाश्रम में जाएं, ऑर्फनेज अनाथालय के अंदर, हेल्प द अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिलेशन, तो सहायता करें बच्चे की मानवता के संबंधों को कैसे सुधारना है, कैसे बच्चे रोल द योगदान दे सकते हैं अपना।
द टीचर एंड इवन द पेरेंट्स कैन टेक चिल्ड्रन टू रिहैबिलिटेशन सेंटर, माँ बाप भी और बच्चे भी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर रिहैबिलिटेशन होता है जहां दोबारा एक बार कोई अव्यवस्थित हो गया उनको दोबारा बसाया जा रहा हो, वहां पे रिमांड हाउस जहां पे क्रिमिनल को पीटा जाता है वहां भी ले जा सकते हैं टू एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपेंस व्हेन ए चाइल्ड डाइवर्ट्स फ्रॉम द बाथरूम, दिखाने के लिए अगर बच्चा को अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसके साथ क्या होगा एंड चूज ए रॉन्ग ऑप्शन अगर ले लेता रिमांड हाउस से जो पता लग जाएगा। विजिट दीज अटेंडिंग ब्लड डोनेशन कैंप में ले जा सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग एनसीसी में एनएसएस में हेल्प इन इनकलकेट वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस की वैल्यू उनके अंदर आएंगी, टॉलरेंस की सहनशीलता कंपैशन दया कोऑपरेशन सहयोग इक्वलिटी समानता टीम सपोर्ट की भावना उसके अंदर आएगी। वोकेशनल पेशेवर गतिविधि वेरियस स्कूल्स रन दीज एक्टिविटी लाइक नीडल वर्क एस यू सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क हम पहले चर्चा कर चुके हैं जैसे गार्डनिंग वगैरह का इसके अंदर आता है, घर पर सिखाएं नीडल वर्क सिखाएं, फोटोग्राफी क्ले मॉडलिंग मतलब मिट्टी से कोई चीज बनाना, हैंडीक्राफ्ट हाथ से कोई चीज बनाना, मेकिंग जोन इस प्रकार की चीजें, बट दीज एक्टिविटी आर नॉट कैप्ट इन एसेंशियल कैटेगरी परंतु इन चीजों को एक आवश्यक कैटेगरी के अंदर नहीं माना गया है।